स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भाई यहाँ पे इंडिया की सेफेस्ट कार के बारे में। भाई जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है यह टाइगन गाड़ी है, टाइगन का बेस मॉडल हमारे सामने खड़ा है। सेफेस्ट कार क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि इसे लैटिन एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली गई है एडल्ट में, और यही नहीं भाई इसको चाइल्ड में भी सेफ्टी रेटिंग मिली है 5 स्टार। तो हुई ना ये सेफेस्ट कार। तो आज इस गाड़ी के बारे में हम बात इसलिए करें क्योंकि भाई इसमें कुछ अपडेट हुए। अपडेट क्या हुए भाई, प्राइस के अपडेट्स हुए हैं। तो डिटेल से बात करेंगे आज इस गाड़ी के बारे में कि भाई यहाँ पे आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या इसके नए प्राइस रखे गए हैं 2024 में, कितना आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल में आ ही गए हैं तो भैया दोस्तों यारो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ये जो वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है भैया टाइगन का बेस मॉडल खड़ा है, इसका कम्फर्ट लाइन वेरिएंट है यहाँ पे खड़ा है, मतलब इसके बेस मॉडल को कम्फर्ट लाइन कहा जाता है। और अगर इसकी एक्सशोरूम वैल्यू की बात करूं तो पहले ये आपको 11,70,000 रुपए का एक्सशोरूम देखने के लिए मिलता था, आज की तारीख में ये आपको 11,00,000 रुपए का एक्सशोरूम देखने के लिए मिलता है। और ऑन रोड आता है तो ये गाड़ी आपको समथिंग अराउंड 12,85,000 रुपए के आसपास आपको ऑन रोड पड़ जाती है, नए प्राइसेस के साथ, नए बेनिफिट के साथ। और भी बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं भाई, उसके लिए आपको आना पड़ेगा हल्द्वानी फोक्सवैगन शोरूम में। बाकी नहीं तो यहाँ पे नंबर मैंने मेंशन कर दिए हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके कॉल भी कर सकते हैं और इस गाड़ी के रिलेटेड या फोक्सवैगन की किसी भी गाड़ी के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब फ्रंट में खड़े तो बात करेंगे भाई इस गाड़ी की चौड़ाई की, तो यहाँ पे भाई आपको 1760 mm की ओवरऑल विड्थ देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट में अगर देखेंगे तो भाई आपको ग्रिल पोर्शन में ग्लॉसी ब्लैक का वर्क देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको क्रोमिंग में लोगो देखने के लिए मिल जाता है फोक्सवैगन का। ऊपर से भी अगर आप चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे भी आप क्रोम ट्रीटमेंट का वर्क देखने के लिए मिलता है। लोअर बंपर सेक्शन में अगर बात करेंगे तो भाई लोअर में भी आपको क्रोमिंग का वर्क देखने के लिए मिल जाएगा। फॉग लैंप्स यहाँ पे आपको मिसिंग रहते हैं क्योंकि भाई बेस मॉडल है, लेकिन आप आफ्टर मार्केट यहाँ पे फॉग लैंप इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एयर डैम देखने के लिए मिल जाएगा, आपको स्किट प्लेट भी सिल्वर कलर में देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे भी आप चेकआउट करेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक का वर्क देखने के लिए मिलता है। हेडलैम्प असेंबली में बात करेंगे तो भाई डुअल बैरल हेडलैम्प्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, लो बीम और हाई बीम, और ये आपको हेलोजन में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको हेलोजन में ही इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं गाड़ी में। फ्रंट से अगर बात करें तो भाई गाड़ी में क्रोमिंग का काम आपको देखने के लिए मिल जाता है, उतना ज्यादा नहीं है लेकिन डिटेलिंग से है, जिससे कि गाड़ी एक सोवर लुक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराती है। साइड पोर्शन से चलेंगे तो भाई गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल अगर लेंथ की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 4221 mm की ओवरऑल लेंथ देखने के लिए मिलती है। और साइड में खड़े हैं तो टायरों की बात ना हो तो ऐसे कैसे होगा, तो भाई यहाँ पे आपको MRF के टायर्स मिल जाते हैं स्टील व्हील रिम में, और यहाँ पे आपको फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। रियर टायर्स में यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं। और अगर टायर प्रोफाइल की मैं बात करूं तो 215/60/R16 का टायर प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। फेंडर में क्लैडिंग का वर्क देखने के लिए मिल जाएगा। ओवाबीएम में अगर बात करेंगे तो LED टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे बेस मॉडल में ही देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो ओवाबीएम है ये भी आपको बॉडी कलर्ड ही देखने के लिए मिलता है। और डोर हैंडल्स की भी अगर बात करेंगे तो ये भी भाई आपको बॉडी कलर्ड ही देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे फोक्सवैगन की बैजिंग मिल जाएगी, और B+ आपको मैट ब्लैक में मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको रूफ रेल ये भी आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलती है। अगर ओवरऑल हाइट की हम बात करेंगे तो भाई गाड़ी की जो ओवरऑल हाइट 1612 mm की देखने के लिए मिल जाती है, और ऊपर से जो आप ये रूफ रेल देख रहे हैं ना भाई, ये भी आपका मल्टी फंक्शनल है। यहाँ पे आप इसमें लोड कैरी कर सकते हैं 55 kg तक का, यानी आप इसके ऊपर रूफ टेंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको 188 mm का अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। भाई अब व्हील बेस की बात करें तो भाई अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा व्हील बेस ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कराती है 2651 mm का। और सबसे अच्छी खास बात यहाँ पे क्या लगती है कि भाई यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड ही आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, और ये पुश टू ओपन रहता है इजी टू वे में, मतलब अंदर से आपको कोई बटन वटन नहीं दबाना, आप यहाँ से इसको प्रेस करेंगे ये आपका ओपन हो जाएगा। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। रियर में चलते हैं तो भाई रियर से गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये पूरा ब्लैकिश आपको देखने के लिए मिलता है, यानी स्मोकी फिनिश जो आफ्टर मार्केट लोग कराते थे ये आपको पहले से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है टेल लैंप में। और भाई इसके जो टेल लैंप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं ये पूरी LED में देखने के लिए मिलते हैं, ये आपको पूरी कनेक्टेड टेल लैंप यहाँ तक आपको देखने के लिए मिलती है। नीचे वाला रिफ्लेक्टर वाला पोर्शन आपको मिलता है, सेंटर में आपको भाई फोक्सवैगन का लोगो है, टैगन की बैजिंग है, प्लस यहाँ पे TSI की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। और बंपर सेक्शन में बात करेंगे तो भाई थ्री
पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको देखेंगे तो क्रोमिंग का वर्क अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे आपको भाई रियर का फॉग लैंप भी देखने के लिए मिलता है। और अगर डिफ्यूजर की बात करेंगे तो सिल्वर कलर में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरीके से। रियर विंडशील्ड में बात करेंगे तो भाई ये आपको पूरी प्लेन मिलती है, कोई वाइपर वॉशर डिफॉगर यहाँ पे नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉपलाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे आपको पोल एंटीना जरूर देखने के लिए मिल जाता है। बूट की बात करेंगे तो भाई बूट में यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है इसे ओपन करने के लिए। ये काफी अच्छा है कि भाई बूट में सॉफ्ट टच दे दिया है बेस मॉडल में ही। अब बूट की बात करेंगे तो भाई कुछ इस तरीके से बूट आपको देखने को मिलता है, गहराई में ज्यादा मिलता है, स्पेस काफी अच्छा खासा मिल जाता है। फिगर में बात करूं तो 384 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। बूट लैंप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको भाई हैंगिंग का ऑप्शन मिल जाता है। 3 kg के 2 points मिल जाते हैं जिसमें आप अपना सामान हैंग भी कर सकते हैं। पार्सल ट्रे के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप एडिशनल पार्सल ट्रे परचेस करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेपनी की बात करेंगे तो भाई वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, स्टील व्हील रिम में। बाकी टूल किट वगैरह भी यहीं पे आपको देखने के लिए मिलती है। और ये जो रियर की सीट्स आपको मिलती हैं, ये आपको बेंच फोल्ड में देखने के लिए मिलती हैं। भाई ये 60-40 रेशियो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो भाई बूट में कुछ इतना ही, बूट को करते हैं बंद। एक चीज यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको लैच मिल जाता है बूट को एक्सेस करने के लिए। को ड्राइवर साइड आते हैं तो भाई को ड्राइवर साइड सेम एज इट इज वैसी ही है जैसी आपने ड्राइवर साइड देखी थी, पूरी वही गाड़ी है, कोई अंतर नहीं है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, देख लेते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। चलिए डोर को करते हैं ओपन। तो भाई ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको डोर पैनल देखने के लिए मिलता है। भाई बेस मॉडल है ना, बेस मॉडल में भी आप देखेंगे तो आपको डुअल टोन इंटीरियर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बीज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। डोर की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है। 4x4 पावर विंडो के स्विच यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है, फोल्डेबल नहीं मिलता है, फोल्डेबल आपको मैनुअली करना पड़ेगा। सेंटर लॉकिंग के बटन यहाँ पे आ जाते हैं, प्लस यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर स्पेस है, प्लस यहाँ पे आपको मैप पॉकेट है, और यहाँ पे आपको अम्ब्रेला पॉकेट भी देखने के लिए मिलती है। ये देखिए मतलब स्पेस कितना बड़ा मिल रहा है, और बॉटल का स्पेस देख लीजिए। और यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग मिल जाती है। इस गाड़ी में टोटल जो स्पीकर्स आते हैं वो भाई 6 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें से 4 स्पीकर्स हैं, 2 ट्वीटर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ट्वीटर्स कहाँ मिलते हैं देखिए, वो एक सामने पॉइंट आपको दिख रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके ट्वीटर्स हैं। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, बैठ के देखते हैं भाई कैसा फील होता है। उससे पहले बात करेंगे सीट में, तो फैब्रिक में सीट्स मिलती हैं और डिजाइन पूरा बकेट फिट मिलता है अच्छा खासा। और सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन हाइड्रोलिक में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फ्यूल टैंक का लीड ओपन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आता क्योंकि वो पुश टू ओपन आपको मिलता है। प्लस यहाँ पे आप गाड़ी का हुड ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ये हेडलाइट्स का मिल जाता है ऑप्शन, जहाँ से आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करते हैं, और यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर देखने के लिए मिलता है। एसी वेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे गाड़ी के। चलिए चलते हैं अब बैठ के देखते हैं गाड़ी में। बैठते हैं तो भाई दरवाजा करते हैं बंद। क्या बात है भाई, साउंड सुन रहे हो आप, जो मजा आता है, जो थर्ड आता है ना भाई, क्या फील होता है यार, इतना भारी हैवी साउंड मिलता है। तब तो गाड़ी के जो म्यूजिक सिस्टम है ना वो भी बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी के बजते हैं भाई, मतलब बूमिंग साउंड आता है अंदर से। अब एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, ये देखिए इंटीरियर, मतलब बेस मॉडल है, बेस मॉडल में भी आपको आपकी सुविधा की सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई स्टेयरिंग व्हील की। यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो सिल्वर फिनिशिंग की टच भी मिलती है, और स्टेयरिंग में कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं। ये म्यूजिक के हो गए, ये आपके क्लस्टर वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ से शायद आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऑन करके देखू क्या, ये लाइट जल गई, और ये प्लीज रिफ्यूल ओके करें, ये हाँ ये यहाँ से चेंज होती है। डिस्टेंस है, स्पीड है, इकोनॉमी है, ये सारी चीजें यहाँ से आपको ये दिखाता है। और अभी ये बता रहा है कि पेट्रोल पंप जाने तक का आपके पास 40 किलोमीटर तक का आप यहाँ से चल सकते हैं, यानी 40 किलोमीटर की रेंज का पेट्रोल इसमें अभी है। बाकी एनालॉग में आपको देखने के लिए मिल रहा है RPM मीटर यहाँ पे हो गया, आपका स्पीडोमीटर आपको राइट हैंड साइड में मिल जाता है, बाकी MMID डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे तो भाई ये कुछ उल्टा है कि यहाँ पे आपको इसके पासिंग के कंट्रोल्स और इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वाइपर के कंट्रोल्स राइट हैंड साइड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। और भाई एक खास बात क्या है कि भाई इस गाड़ी में ना आपको ये देखिए स्टीयरिंग व्हील जो आपको मिलता है बेस मॉडल में, टिल्ट और टेलीस्कोपिक, और स्मूथनेस देखिए भाई एक हाथ से ही आप कर ले रहे हैं। मैं टाटा की गाड़ी में करता हूँ ना, हाथ से हिलता नहीं है भैया, जब तक आप दो हाथ ना लगाओ तब तक हिलेगा नहीं वो, तो मतलब ये काफी स्मूथनेस है। फिर अगर बात करेंगे सेंटर कंसोल में तो भाई ये देखिए टच म्यूजिक सिस्टम मिल जा रहा है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले दोनों देखने के लिए मिलता है, लेकिन मिलता ब्लैक एंड व्हाइट में है भाई। फिर उससे नीचे आपको यहाँ पे देखिए ये AC वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, फिर यहाँ पे आपको ये
ये सेट का है। ये जो बटन है भाई, ये आप देख रहे हैं, ये है आप टायर इन्फ्लेशन वार्निंग, ये हैजर्ड लैंप है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, ये आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ये आपको बेस मॉडल से ही मिल जाता है। बाकी एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, मैनुअल में एसी मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है काफी बड़ा, जिसमें आप फोन वगैरह कैरी कर सकते हैं, वॉलेट वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गियर नॉब देखने के लिए मिल जाएगा, 6-speed ट्रांसमिशन में देखने के लिए मिलता है भाई। और यहाँ पे आपको 12-volt का अडैप्टर सॉकेट है, यहाँ पे आपको की पॉकेट मिल जाती है, 2 cup होल्डर का ऑप्शन है भाई। बेस मॉडल में ही आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है और विद स्टोरेज के साथ मिलता है वो भी। फिर यहाँ बात करेंगे ग्लोब बॉक्स में, तो ये देखिए भाई, डिसेंट सा स्पेस मिलता है ग्लोब बॉक्स में। और अगर बात करेंगे डैशबोर्ड में, पूरा हार्ड प्लास्टिक है और यहाँ पे ये पैटर्न जो है थोड़ा सा आपको 3D पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। IRM की बात करेंगे तो मैनुअली एडजस्टेबल IRM है। रीडिंग लैंप्स की बात करेंगे तो भाई LED में रीडिंग लैंप्स देखने के लिए मिलते हैं। ये भाई खाली है, ये सही है भाई, देना चाहिए सनग्लास होल्डर देना चाहिए इन्होंने। यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाएगा और यहाँ पे बात करेंगे तो वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और अगर बात करेंगे तो भाई आपको यहाँ पे डेट पेडल भी देखने के लिए मिलता है बेस मॉडल में ही आपके पैर के रेस्ट के लिए। अब बात करते हैं भाई इसके हेडरूम स्पेस की। तो भाई हेडरूम स्पेस की अगर बात करेंगे तो वो आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और सीट्स का जो डिजाइन है वो भी काफी अच्छा खासा है, आपको काफी अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब कर लेती है, मतलब आप काफी कंफर्टेबल तरीके से आप यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूंगा तो वो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये तो था कुछ इसके फ्रंट का, आप चलते हैं इसकी रियर सीट्स में, देख लेते हैं रियर सीट्स में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, मतलब पीछे ही आपको क्या क्या चीजें और फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ। तो भाई जैसे ही रियर डोर खोलता हूँ तो सेम वही पैटर्न मिलता है जैसा आपने फ्रंट डोर का देखा था, डुअल टोन बीज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। सॉफ्ट टच मिल जा रहा है आपको यहाँ पे फैब्रिक में, बोटल होल्डर स्पेस है, मैप पॉकेट है, पावर विंडो का स्विच है, डोर हैंडल ब्लैक फिनिशिंग में मिल रहा है, स्पीकर्स की प्लेसिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है रियर डोर्स में। इंटीरियर से बात करते हैं तो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको रियर का इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। एक खास बात क्या है भाई कि यहाँ पे देखो आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, कितनी अच्छी बात है। प्लस आपको 3 सीट बेल्ट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है जिनमें आपको अलार्म भी आता है, यानी अगर आपने सीट बेल्ट्स नहीं लगाई तो वो आपकी अलार्म करते रहेंगी। जो फ्रंट के हेडरेस्ट आते हैं वो दोनों एडजस्टेबल मिलते हैं। बैठ के देखते हैं गाड़ी के अंदर कि भाई क्या स्पेस मिल रहा है और क्या चीजें मिलती हैं। दरवाजे करते हैं बंद। तो भाई गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, ये देखिए भाई स्पेस देखिए, नी रूम स्पेस, लेग रूम स्पेस जबरदस्त है भाई। और मैगजीन पॉकेट नहीं मिलती है, को ड्राइवर सीट के पीछे भी मैगजीन पॉकेट नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको भाई रियर में एसी वेंट मिल जाता है जिसके आउटर में आप देखेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक का वर्क है भाई। टाइप ए टाइप सी कोई पोर्ट नहीं मिलता है लेकिन हब जरूर छोड़ा गया है भाई, दे देते। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पे आपको कोट हैंकर देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको कोट हैंकर देखने के लिए मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको रियर में भी रीडिंग लैंप के ऑप्शन मिल जाते हैं LED में जो अभी बंद हो गए हैं। और आर्मरेस्ट वगैरह आपको रियर में कुछ नहीं मिलता है। अब बात करते हैं भाई इसके कंफर्ट की, वो कैसा है। तो भाई ये देखिए गाड़ी में बैठा हूँ, हेडरूम स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है भाई, जबरदस्त हेडरूम स्पेस है, रिक्लाइनिंग पोजीशन अच्छी खासी मिलती है जिससे कि आप गाड़ी में लंबा सफर भी अच्छे से तय कर सकते हैं, थकावट नहीं होगी क्योंकि आपको यहाँ पे भी स्पेस अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। और अंडर थाई सपोर्ट की बात करेंगे तो वो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये तो था कुछ इसके रियर का। अब बात करते हैं इसके इंजन वे की, देख लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, क्या पावर है, क्या परफॉर्मेंस है, बात करते हैं उसकी। तो चलिए चलते हैं इंजन की तरफ। भाई हैवीनेस तो थोड़ी है ही है इस गाड़ी में। तो भाई हम आ गए हैं इसके इंजन सेगमेंट में। अगर इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 liter 3 cylinder टर्बो TSI इंजन देखने के लिए मिल जाता है भाई, जिसकी पावर का आप कहेंगे ना 114 BHP की पावर मिलती है। और टॉर्क की बात करेंगे तो 178 Nm का टॉर्क की गाड़ी निकाल के देती है। और माइलेज अगर कहें तो भाई यहाँ पे आपको 19.87 KMPL का माइलेज यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है। बाकी डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं उस तरीके से आप यहाँ पे माइलेज गेन करेंगे। और अगर ब्रेकिंग्स में बात करें तो भाई ABS, EBD ब्रेकस जैसे फीचर्स तो है ही है, ट्रैक्शन में ट्रैक्शन कंट्रोल और ESP जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। और भाई वारंटी, तो भाई अगर वारंटी की बात करें ना तो भाई अभी इंडिया में तो कोई ऐसी कंपनी जो आपको इतनी लंबी वारंटी देती है विद परचेसिंग प्राइस के साथ, भाई कितनी भाई 4 साल 1 lakh किलोमीटर की वारंटी यहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ही। आपको एडिशनल परचेज नहीं करनी, एडिशनल परचेज करने के बाद तो आप इसकी वारंटी को 7 साल तक का एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक रिलीफ इसमें बताऊं क्या मिलता है भाई, वो रिलीफ है कि भाई यहाँ पे जो आपको फोक्सवैगन सर्विस प्रोवाइड कराता है वो कराता है भाई 15,000 किलोमीटर या फिर साल भर में एक बार। अदर कंपनियां जो 10,000 में कराती है, यहाँ पे फोक्सवैगन आपको 15,000, यानी जिसकी रनिंग ज्यादा है ना उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल गाड़ी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। और पीछे से देखिए इंसुलेशन का वर्क वगैरह काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, आप कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड।
तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस गाड़ी के बारे में जो हमारे सामने खड़ी है भाई, ये अपडेटेड गाड़ी है क्योंकि इसके प्राइस अपडेट कर दिए गए हैं भाई। जहाँ पहले 11,70,000 रुपए की मिलती थी, अभी आपको 11 लाख रुपए की देखने के लिए मिलती है। वैसे एक्सशोरूम है 10,99,900 रुपए का। अब 100 रुपए क्या ऊपर नीचे करें, तो मैंने डायरेक्ट 11 लाख रुपए इसलिए बोल दिए हैं। ऑन रोड 12,85,000 रुपए के आसपास आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। लेकिन भाई बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स जो आपको प्रोवाइड करा देती है ना, वो शायद ही कोई कंपनी कराए। और सेफ्टी फीचर्स सबसे मस्त रहते हैं जो आपको ये गाड़ी प्रोवाइड कराती है, डिसेंट सा लुक है। बाकी ये गाड़ी आपको कैसी लगती है दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये नए वाले प्राइस आपको क्या अच्छे लगे या नहीं लगे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो भाई जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सबको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।